हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉपुलर किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वेज पोहे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना करके खाइए या हल्की फुल्की भूख में बना करके खाइए। बहुत ही टेस्टी हेल्दी है। हम यहाँ पर सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ पोहा बनाना बताएंगे। वैसे तो सबका अपना अलग अलग मेथड होता है पोहा बनाने का, पोहा कई तरीके से बनाया जाता है, तो मैं आज आपके लिए अपना मेथड शेयर करूँगी। और पोहा बनाने में जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आपका पोहा खिला खिला नहीं बनता है, चिपका चिपका बनता है, तो मैं आज आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे कि हमारा पोहा एकदम खिला खिला बने, बहुत ही टेस्टी लगे। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम यहाँ पर वेज पोहा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी के करीब पोहा लिया है, उसको मैंने अच्छे से 2 से 3 बार धुल लिया था और सारा पानी मैंने निकाल दिया है। रेस्ट के लिए हमें 6 से 7 मिनट के लिए रखना है एक तरफ। अब हम वेजिटेबल्स देख लेते हैं। टमाटर मैंने यहाँ पर बारीक कट करके लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली हैं, 1 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ली है, गाजर मैंने यहाँ पर लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया था, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, हल्दी मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच ली है। मैंने यहाँ पर बारीक कट करके धनिया लिया है, 2 से 3 चम्मच मैंने छिली मटर ली है, मूंगफली ली है पोहे के लिए, राई ली है, 6 से 7 काजू लिए हैं, 2 बादाम लिए हैं और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश ली है। ये पोहे में बहुत ही टेस्टी लगती है, खट्टा मीठा फ्लेवर आता है हमारे पोहे में। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी डालेंगे हम यहाँ पर 1/2 चम्मच, बारीक कटे हुए हम यहाँ पर टमाटर डालेंगे, थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो नमक है अच्छे से घुल जाएगा। आप घर में जब भी पोहे बनाएं तो इसी तरीके से बनाइए, तो हमारे पोहे में कभी भी नमक कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं रहेगा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हम यहाँ पर राई डालेंगे, राई को चटकने देंगे। फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली को फ्राई करना भूल गई थी, तो अब हम यहाँ पर मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली को हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है। यहाँ पर हमारी मूंगफली भून चुकी है, तो हम यहाँ पर काजू और बादाम को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, सभी को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ पोहे बनाने में आप वही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर कड़ी पत्ते डालेंगे, 6 से 7, बीच में से तोड़ लिया था, चॉप करके हम यहाँ पर प्याज डालेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, जो हमने घोल तैयार किया था वो घोल डाल देंगे, इसको अच्छे से पकने देंगे। जो हमने वेजिटेबल्स ली हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप अपने चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स को रख सकते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वही वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है, कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। इस स्टेज पर हम पोहा डालेंगे जो हमने भिगो करके रख दिया था। आप इस ट्रिक के साथ बना के देखिए, आपका पोहा कभी चिपकेगा नहीं, एकदम खिला खिला बनेगा मोती जैसा। सभी को मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। यहाँ पर मैंने पोहे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर किशमिश डालेंगे। किशमिश डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन कभी आप एक बार किशमिश डाल करके पोहा बना के देखिए, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। जो हमने मूंगफली को फ्राई किया था वो हम डाल देंगे, 1/2 कप मैंने यहाँ पर मूंगफली ली थी। सभी को मिक्स कर लेंगे। पोहे में मूंगफली बहुत ही टेस्टी लगती है।
यहाँ पर हम लेमन जूस डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेमन जूस जब भी डालना है गैस को ऑफ करके ही डालना है। यदि आप ऑन गैस पर पोहे में लेमन जूस को डालते हैं तो हमारा जो पोहा है वो कड़वा हो सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आप जब भी लेमन जूस डालें पोहे में तो गैस को ऑफ करके ही डालें। हमारा यहाँ पर सुपर टेस्टी डिलीशियस पोहा बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप देख सकते हो हमारा जो पोहा है कितना कलरफुल दिख रहा है। काजू और लेमन से हम इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस हमारा ये पोहा बनकर तैयार हुआ है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।